दोस्तों, महिला हो या पुरुष, दोनों ही रात में इन चार अंगों पर तेल जरूर लगाना। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोग तेल लगाने से शर्माते हैं, और आप सभी लोग जानते ही हैं जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जी हाँ दोस्तों, शरीर के इन चार अंगों में यहाँ तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह चार अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को। शरीर की इन चार अंगों में से जो एक अंग है, वह ऐसा अंग है जहाँ पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये बात बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं वह अभी ही चले जाए, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। हो सके तो सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। महिला हो या पुरुष हो, बस इन चार अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी, और दोस्तों आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। यह जो हम चार अंक आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन चार अंकों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। काफी बार क्या होता है, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन चार अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। आज दोस्तों हम आपको जो बताने जा रहे हैं, चार अंगों में से एक अंग जहां पर आपको जरूर से जरूर तेल लगाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसीलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से ही रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। चार अंकों में से इस अंग के ऊपर भी तेल लगाना है, सरसों का, और अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे वह कौन सा अंग है। और दोस्तों, चार अंकों में से एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है, और यह वाला अंग महिला और पुरुष में दोनों में ही पाया जाता है। यह वाला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, और यदि इन चार अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो तो यकीनन आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपके बिना शर्म किया तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल न करें, और इन चारों अंगों में तेल लगाने से पहले सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत सन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध, यह क्या कह रहे हैं, मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं। लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहां उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगाई थी, आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए। तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाएं, इसलिए महारोग की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे सन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें सन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम सन्यास राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह हमारा शरीर किस से बना है यह सबसे पहले जानना जरूरी है, और हमारे शरीर में कौन से तीन दोष पाए जाते हैं। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है और हमारा शरीर में तीन दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी का जरिया ही तीन दोष है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये तीन दोष है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60-70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15-20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5-10% बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है, जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, सिज़ोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। जहां आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। बजरंग बली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है, तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, इसके बाद हम आगे वाली अवस्था में आते हैं, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। दोस्तों, इस समय हमारा युवा अवस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई वस्तु न खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों, हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़े। तो दोस्तों, यहां आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोष संबंधित जो भी जानकारी जहां से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल कर लीजिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारें। कारण को हटा दीजिए और इन 3 देशों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस दोष को बढ़ाने वाले चीजें कभी मत खाएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब यह जानिए, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषियों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, दोस्तों भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करें, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियम का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो कुल तमाम बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे शरीर में तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, उस पर जानते हैं। समझ गए आपका शरीर निर्माण कैसे होता है। इससे सुरक्षा करना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पहला पैर का तलवा, दूसरा है आपकी नाक और तीसरा है नाभि, चौथा है आपका सिर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन 4 जगह पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है। रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तेल लगाना है, तो पैर के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए, उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। सूख जाए दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी दोस्तों, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा, याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है, तो पैर के तालू में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाए जाते हैं, और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब घर में बच्चा होता है, सबसे छोटा सा बच्चा जन्म होता है, और माताएं तेल की मालिश करती थीं। अब तो यह जमाना उठ गया है। पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थीं। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारी माता जी जो भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता को 4 बार, दूसरी टाइम यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थी। दोस्तों कहते थे, जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां इनकी मजबूत होगी। दोस्तों, यह आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर के हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थीं, तो उनकी नाभि को फूंक मारती थी, फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है कि किसका तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल लेना है, और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं, तो उसके फायदे कितने हैं आप जानकर चौंक जाएंगे।
दोस्तों आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख बढ़िया सी लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फायदेमंद है। अब आपको नाक में क्या करना है, नाक में अगर आपको शुद्ध अगर देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी किसी कंपनी का नहीं चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी एक बूंद नाक में और एक बूंद नाक में दोनों नाक में एक एक बूंद डालना है, दोनों नाक में एक एक बूंद रोज डालें। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वह बेनिफिट्स मैं यहाँ पर गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। दोस्तों आपका पागलपन दूर हो जाएगा, किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवा ऐसे नहीं बनी जो आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा, जुकाम सर्दी खांसी नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक बात और है, जहां से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है, आपको अपने सर में सरसों का शुद्ध किसी कंपनी का आप मत लीजिए, ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए, जैसे ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर आसानी से इसे थपथपा पाएंगे। दोस्तों नींद आना आपको शुरू हो जाएगी तो आप खुद देखिए नींद लाने में कितने रोल है। तो दोस्तों आपको सिर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे प्रॉफिट है, आपका जो बाल है बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। दोस्तों ये चार अंगों पर यह तेल आप जरूर लगाएं या देसी घी आप नाक में डालें, यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको जो भी बात बताई है वह बात बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हो सके तो दोस्तों जल्द से जल्द हमने जो आपको बात बताई है उसे फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।